unconditional apology. Hey, I don't want any apology, sir. I'm not your employer. I'm saying again and again. We have, sir. I'm saying again and again that I'm not your employer. Your department may promote you, your department may demote you, your department may terminate you. It is none of my business. हम आप रोज सुबह शाम उठते बैठते करते हो, अगर वही अब आपके खिलाफ शुरू हो गई है तो अब आपकी सांस क्यों ऊपर नीचे होने लगी? ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में इस तरीके की बदतमीजी मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं, मुरैना से जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके ऑफिसर्स इस तरीके से बिहेव करेंगे तो टेल देम दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीबॉडी। हो नहीं सकता है, हो सकता है तो अब आप क्यों घबरा रहे हो? जरा देखिए, इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी दिख रही है क्या मैडम? मत बताइए, वैसे बता तो चुकी होंगी। Yes, sir. Actually, sir, whatever time I got since yesterday, till now, sir, I've gone through the call. नहीं, आपको कुछ abnormality, unusualness कुछ दिख रहा है क्या डॉक्टर? सर, इसमें ऊपर का जो पेन है and what is the way it is signed, sir, वो इसमें will change. रहे ऊपर का पेन, नीचे का सिग्नेचर आर इन द सेम इंक. Yes. Whereas the remaining part of the body is in the different ink. ठीक है सर, कई बार हमको ये होता है कि हम लोग लिख रहे हैं और लिखते लिखते पेन की इंक खत्म हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन, देन वी स्टार्ट यूजिंग द डिफरेंट पेन। तो सर, अगर ऐसी स्थिति थी तो नीचे के सिग्नेचर भी उसी इंक से क्यों नहीं है जिस इंक में पूरी बॉडी लिखी गई है, गिविंग द डिटेल्स ऑफ द सो कॉल्ड सर्च? ये रोजनाम ऐसा कहा जाता था कि पहले रोजनामचा खाली छोड़ दिए जाते थे तो आराम से भर लेंगे, फिर आप लोगों ने उस आदत को ठीक करने के लिए कंप्यूटराइज किया, या पता नहीं मॉडर्नाइज करने के लिए किया, मुझे नहीं मालूम किस लिए किया, पर ऐसा लगता हरकतें नहीं सुधर रही है। व्हाट इज योर एक्सपेरिमेंट, हाउ इट कैन बी कि दैट द अपर पार्ट ऑफ द panchanama and the signatures are in the same ink, whereas the details of the act done by the authority is in a different ink? Sir, actually, I've spoken to the IU about it, sir. And, sir, I would say, sir, prima facie, it seems that there are two different colors here and तो ऐसा कीजिए, हम इसको साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं, अगर आप अभी भी कह रहे हैं प्राइमा फेसा ही, तो यस, बिफोर अराइविंग एट अ कंक्लूजन वी मस्ट हैव अ साइंटिफिक रिपोर्ट, तो शुड आई सेंड इट टू द साइंटिफिक एफएसएल? सर, माय सबमिशन। नहीं सर, ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में इस तरीके की बदतमीजी मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं, मुरैना से जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके ऑफिसर इस तरीके से बिहेव करेंगे so that tell them that I am not going to spare anybody. How can he manipulate this document? And still you are saying that prima facie. Fine, yes, I don't want your conclusion because you, I cannot bind you to that since you have admitted, therefore he is guilty. Prima facie, you are correct that yes, there appears to be something which requires further inquiry. I am sending it to the FSL. To find it out whether this document is in the same ink or it has been written with different pens. उसकी report आने के बाद जो question आपके पास आने वाले हैं sir, आपको तो अभी कल बताया नहीं है इसलिए आपको भी नहीं मालूम। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका वो IO उस दिन कटनी में और कौन कौन से offence में investigate करने गया था? Sir, I have actually gone through it, sir. Whatever time I had, sir. Now find no difficulties. I just wanted. देखिए साहब, एक्चुअली क्या है, आई हैव नॉट कॉल्ड यू सर टू पॉइंट आउट एनी मिस्टेक कमिटेड बाय यू, आई हैव कॉल्ड यू टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स व्हिच आर बीइंग और व्हिच आर बीइंग डन बाय योर सबॉर्डिनेट्स अंडर होप एंड बिलीव दैट देयर एसपी विल सेव देम, राइट? तो मैं आपके सबॉर्डिनेट्स की हरकतों को डायरेक्टली वन टू वन बताना चाहता हूं, दैट्स व्हाई यू वर रिक्वेस्टेड टू कम डाउन, राइट? दूसरी बात, जो असली ग्रीवेंस है मेरे को, टू होम द डायरेक्शन वाज गिवन? सर, डायरेक्शन वाज गिवन टू यू, डिड यू एवर गो थ्रू द केस डायरी बिफोर सेंडिंग इट टू द हाई कोर्ट? Sir, it was a standing warrant file. Sir, I've been monitoring the case. Did you ever go through the case diary before sending it to the court?
sir you took it very easily sir taken for granted answer हमें तो कुछ करना नहीं है आईओ ने सब इंस्पेक्टर ने भेज दो तो इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर सब इंस्पेक्टर देन बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मिसडीड्स ऑफ योर सब इंस्पेक्टर आई डिडंट आस्क द एसएचओ टू एग्जीक्यूट द वारंट विद अ होप एंड बिलीव दैट द एसपी विल पर्सनली लुक इनटू द मैटर एंड एसपी मींस अ पर्सन हैविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर्स If the SP are just throwing away the files to their subordinates, okay, जो तुम करोगे हम भी तुम्हारे साथ टंग जाएंगे फांसी पे. Fine, be ready for that. Why you were directed on this? क्या हमें शौक चढ़ा हुआ है कि SP की शक्ल देखनी है? कभी आपने सोचा है कि आपको पर्सनल अपीयरेंस का तो ऑर्डर डे वन पे किया नहीं था आप ही को डायरेक्शन दिया था आपने समय मांगा हमने समय भी दे दिया था उसके बाद डायरी आई और सारा फर्जी वाला दिख रहा है उसमें और आपने डायरी भेजने से पहले यू डिडंट टेक द पेंस ऑफ यू आर गोइंग थ्रू द केस डायरी सो दिस इज द कंसर्न व्हिच यू आर शोइंग टुवर्ड्स द ऑर्डर्स पास्ड बाय द हाई कोर्ट यू मे बी बिजी इन प्लीजिंग समबडी एल्स यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से डिस्चार्जिंग ड्यूटीज एंड प्लीजिंग समबडी दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स प्लीज माइंड दैट वर्ड्स सो यू मे नॉट बी गेटिंग सफिशियंट टाइम टू लुक इनटू द diary which has been opened under the orders of the High Court and once you delegated the authority which was given to you to your subordinate then be ready to face the consequences of that also so main abhi sabse pehle isko FSL bhej deta hu to verify that whether it is in the same ink or it is in a different aur uske repercussions aapke upar directly aayenge because the direction was to you and it was for you to monitor everything monitor and supervise everything which you did not do anything ye bata dijiye how it is possible that a few upper lines and the signatures which are at the bottom of the document are in the same ink and the body of the document is in the different is it possible we can understand that while writing a document the ink was over and therefore you started using the different ink then the signature should also have been in the same ink in which the body of the order has been, this document has been mentioned ye pehle khali chhod ke usme ye lipapoti ki gayi hai and you encourage that by not taking care of everything what have you to say sir sir first of all sir I offer unconditional apology hey, I don't want any apology sir I am not your employer I am saying again and again We have, sir. I am saying again and again that I am not your employer. Your department may promote you, your department may demote you, your department may terminate you. It is none of my business. I am concerned about the fact that one person is absconding who was a hardcore criminal, even according to you. Yes, sir. Right? Sir. So, what is your opinion about the background of that person? Sir, he is a hardened criminal, sir. Hardened criminal. How many offences under Section 302 were registered against him? Sir, on record, I think there are around 15 cases, sir. 15 cases, and how many 302 out of those 15? Sir, I don't have the exact details, sir. As it sounds. But even according to your information, he was a hardcore yes. criminal, right? He's a hardened criminal. Sir. And in this case also, he absconded during the pendency of the trial, and the trial is for 302. You people were sitting idle because trial court ने warrant issue कर दिया तो क्या फर्क पड़ता वही आपका डीजीपी मुरैना के केस में एफिडेविट्स में एफिडेविट्स दे रहे थे कि माई पुलिस डिपार्टमेंट इज वेरी एफिशियंट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग व्हाट ट्रांसपायर्ड एट मुरैना आर यू अवेयर ऑफ द एफिडेविट्स व्हिच वर गिवन बाय योर डीजीपी यू आर अवेयर You must be aware that all those affidavits were supported by the circulars issued by the PHQ from time to time, right? Sir. But you sat over the warrant issued by the trial court. Bhoop ji, kab warrant issue hua tha? Trial court ka? Bhoop Singh ji? Your Lordship, year in the 1992, Your Lordship. 92 se warrant issue hai. 2020 में कोरोना लगने के बाद वो he was appearing. अरे पुराना छोड़ दीजिए. My lord, my. एंटीसिपेटरी हो जाने के बाद ये दोबारा वारंट का इशू है दोबारा वारंट 2022 में सर
2022 से लेकर 2024 तक तो आप सो रहे थे, और जब हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया तो आप लोगों ने फर्जी पना काम करना शुरू कर दिया और एसपी उसको एंडोर्स कर रहा है। दिस इज व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट टू द हाई कोर्ट, और माधव नगर के आगे जबलपुर लिखा जा रहा है। दिस इज व्हाट द इंस्पेक्शन विच यू आर डूइंग। हाउ कैन अ पर्सन, हाउ अ पर्सन कैन राइट जबलपुर इन फ्रंट ऑफ माधव नगर? और ये पूरी डायरी आई कैन टेल यू विद सर्टेनिटी एक सिटिंग में बनाई गई है। और कैसे? रिपोर्ट आ जाने दीजिए तब बताऊंगा। अब आपको, अब ये तो उसको तो मैं एफएसएल को भेज ही रहा हूँ, अब आपको क्या करना है ट्रेस आउट करने के लिए वो बता दीजिए। क्योंकि आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ आएगा, और अगर एफएसएल में मैनिपुलेशन हुआ तो बहुत सारी लैब्स हैं इस देश में, ठीक है ना सर? ओके, एफएसएल में कौन बैठे हैं ये भी मैं भी जानता हूँ जी। सर आई जस्ट रिक्वेस्ट सम टाइम सर। हाउ मच टाइम सर? सर यू कैन सर माय टीम इज वर्किंग ऑन सम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सर। सो आई एम नॉट कंसर्न्ड दैट एंड आई डोंट वांट दैट इट शुड बी डिस्क्लोज्ड, राइट? यस सर। Because sometimes the action which is under contemplation may also give clues to somebody else. I don't want that anything should be disclosed. If you say that you have some credible inputs, that is more than sufficient. And sir, we are seriously working on this case. And forget about the self-proclaimed. Sir, you people are very interested in giving a self-proclaimed certificate to you. Sir, and whenever I put a question to you, then you start saying, yes sir, sorry sir. मैंने आपसे चले ये पूछ तो रहा हूँ, बताइए कि क्या वो सेम इंक में है कि सेपरेट इंक में है? प्राइम ऑफिस आई एम नॉट आस्किंग फॉर योर कंक्लूजन। द अपर पार्ट एंड द सिग्नेचर्स आर इन अ डार्क इंक एंड द बॉडी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट इज इन अ लाइट इंक, इज इट करेक्ट? अपेरेंटली वेदर इट अपीयर्स टू बी करेक्ट और नॉट, इट सीम्स टू राइट। और चूंकि आपको डायरेक्शन था और आपने देखे बगैर भेज दिया जाओ हाई कोर्ट में, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का तो देखना ही नहीं है आप लोगों को। आदमी को पकड़ोगे आप, राइट? और ट्रायल में आप कहोगे भाग जाओ हमें कोई परवाह नहीं, तो पकड़ के पेपरों में फोटो छपवाने तक आपकी ड्यूटी है क्या सर? वो तो हमने पेपरों में छपवाने के लिए मना किया तो तब जाके 95% केसेस में छपना बंद हो गया, नहीं तो आप लोग सबसे पहले काम यही करते थे। जाता था सिपाही, सेंटर में एसपी बैठ जाता था, दोनों तरफ एडिशनल एसपी बैठ जाते थे, बीच में अक्यूज को खड़ा करके आप लोग पेपरों में छपवाते थे। और जब पूछो ट्रायल में क्या किया तो सर आदमी फरार हो गया, पकड़ने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया सर। आप लोग क्या अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए नौकरी कर रहे हैं सर? प्लीज थोड़ा सा बताएं तो, समझ में तो आए सर? व्हाट आर द ड्यूटीज विच आर असाइंड टू द पुलिस डिपार्टमेंट? सर तकलीफ इस बात की है मेरे को, करते जब जो आप हैं उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, उसका एक भी जवाब नहीं देते और सर झुका के खड़े हो जाते, तो ऐसा काम करते क्यों जिसमें सर झुकाना पड़े सर? अभी तो मैंने पूछा ही नहीं है कि ट्रायल कोर्ट के वारंट का क्या हुआ। वो मैंने इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि अगर उसका पहले कोई प्रोसीडिंग चल रही होंगी तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग उसके बाद आएंगी उसी डॉक्यूमेंट में, उसी डायरी में। वो डायरी है ही नहीं है कहीं पर, और ये नई डायरी बनाई गई है। इसका मतलब है कि ट्रायल कोर्ट का वारंट क्यों आपने उठा के कचरे में फेंक दिया? तो आप लोग ऐसे आदमियों को गिरफ्तार क्यों करते हो? वहां वही लूटने लेने के लिए या अपनी एसीआर अच्छी करने के लिए? इफ दैट इज सो, मेक अ स्टेटमेंट इन पब्लिक दैट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द जनरल पब्लिक, वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट अवर एसीआर। मैं तो इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आई विल नॉट पुट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, मेक अ जनरल स्टेटमेंट, आई विल बी मोर देन हैप्पी। आप ही को कोट करूंगा और आगे बढ़ा दूंगा केस। बात करेंगे आप सीआरपीसी की, बात करेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन की, बात करेंगे आप राइट्स की। और जब आपसे पूछ लें कि व्हेन यू आर एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी क्या किया, तो आप लोग चुपचाप खड़े हो जाते हो। और आपने तो इतना भी ध्यान नहीं दिया कि हाईकोर्ट से ऑर्डर है, जरा डायरी तो खोल के देख लूं। चलिए अब आप बताइए कितने कितने साल लगेंगे आपको? सर 10 डेज सर। देन आई विल नॉट गिव एनी टाइम, then I will hand it over to the CBI directly.
with a specific finding that you have you people have failed to execute the warrant, right? सर मैं प्रोसेस कर रहा हूँ सर ढूंढने की और मैंने कोई बात नहीं सर नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आपके प्रयास अच्छे नहीं है मैंने नहीं बोला अभी तक परंतु आपके प्रयासों में कुछ गड़बड़ियां दिख रही हैं उसके लिए माफी चाहता हूँ सर नहीं नहीं माफी की कोई जरूरत नहीं है सर 2022 लगे MJCR नंबर 755/2022 आपको जो भी रिपोर्ट आ जाने दीजिए देखिए साहब हो सकता है कि हमने जो सोच रहे हैं वो हमारा सोच रिपोर्ट के बाद गलत निकले तो अगर वो गलत निकलेगी तो आपको किसी माफी की कोई आवश्यकता नहीं और अगर सही निकली तो फिर हम आपकी वर्बल माफी नहीं लेंगे फिर हम आपसे राइटिंग में ही लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आप नौकरी में रहने लायक हैं कि नहीं है और या फिर अभी भी सच सच बता दीजिए क्या किया है आपने क्या वो पंचनामा जबलपुर में अपने थाने के टेबल पे बैठ के बनाया है कि कटनी में बनाया है अभी भी ईमानदारी से बता दीजिए आखिरी मौका दे रहा हूँ सर पंचनामा कटनी में बनाया सर मैंने अपने सीडीआर निकलवाने के कोई बात नहीं सर ठीक है अब रिपोर्ट आ जाने दीजिए अब डर किस बात का यार वो पुरानी कहावत नहीं सुनी है हाथ कंगन पवार से क्या भाई अगर शक पड़ा है और अगर शक बेबुनियाद निकलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी पता आपको है कि आपने क्या किया है अलग-अलग हो सकते हैं सर अलग अलग नहीं हो सकते हैं ये बताइए कि ऊपर का पेन और आपके सिग्नेचर एक पेन में क्यों है और बीच का विस्तार विस्तृत जो डिटेल्स हैं वो अलग पेन से क्यों है सर वहाँ काफी टाइम डिस्कस किया था सर काफी टाइम हुआ था तो आपने ऊपर का और नीचे का पहले कर लिया और बीच का बाद में लिखा ऐसा कहना चाहते हैं गवाह है सर ऐसा कहना चाहते हैं तो बता दीजिए गवाह कह रहा था मेरे को जल्दी जाना खाली कागज पे साइन करा लो ऐसा बोला था क्या वो नहीं बोला था सामने हुआ था इसका मतलब ऊपर आपने लिखा फिर दूसरा पेन लिया फिर बीच का लिखा फिर पहला पेन लिया साइन किए ऐसी क्या परिस्थिति थी कि साइन पहले पेन से हो सकते थे दूसरे पेन से नहीं हो सकते थे आखिरी मौका दे चुका हूं आपको सच बोलने का आपने जो भी कहा है अब उसकी सच्चाई हम रिपोर्ट आने के बाद ही तय करेंगे ठीक है ना हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने जो जवाब दिया वो गलत दिया है हम अभी कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं हमको आंखों से देखने में लगा कि अलग अलग पेन है आपके एसपी साहब से पूछा ये कैसे संभव है जवाब नहीं मिला तो जब जवाब नहीं मिला तब उसकी इंक्वायरी तो होगी ना आप लोग भी तो इन्वेस्टिगेशन ही करते हो ना सच्चाई ढूंढते हो ना आप लोग क्या करते हो पुलिस में कोई कहता है कि मेरे साथ अपराध हुआ तो क्या आप उसको सत्य मान लेते हो उसकी सच्चाई ढूंढते हो ना और सच्चाई ढूंढने के बाद अगर आपको पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट गलत है तो आप खात्मा रिपोर्ट भी तो लगाते हो तो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन से आप क्यों डर रहे हो आप क्यों डर रहे हो ये तो आपका रोज का काम है तो किसी ने शिकायत कर दी है तो आपके ऊपर क्या ये मजबूरी है कि आपको चार्जशीटें पेश करनी है नहीं है ना आपको मजबूरी तो अगर हमको शक पड़ा है तो हमने तो ये फाइंडिंग नहीं दी है कि आपने ये सब इसमें लिपापोती की है हमने तो मात्र एसपी साहब से इतना पूछा था कि आप बताइए कि आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या जो मुझे लग रहा है उनका कहना था कि हाँ ऐसा लग रहा है तो जब लग रहा है तो फिर ठीक है उसका फिर एक साइंटिफिक रिपोर्ट ले लेते हैं हो सकता है कि मेरी सोच और एसपी साहब की सोच दोनों गलत निकले और अगर सही निकल आई तो फिर अब आपका क्या होगा अब आप जानना क्योंकि आपको मौका दिया था मैंने और आप अभी भी उसी बात पे क्योंकि नहीं साहब उसी दिन सब कुछ वैसे ही लिखा है ठीक है ना इसमें सर जो भी कार्रवाई है सर वो एक्चुअल है सर मैंने आपसे जितना पूछा उतनी बात बताइए
क्या ऊपर की स्याही और आपके दस्तखत अलग पेन से हैं, एक पेन से हैं, और बीच की बॉडी अलग पेन से है कि नहीं है? ऐसा लग रहा है हम दोनों को, आपने लिखा है इसलिए हम आपसे स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? हो सकता है सर, हो नहीं सकता है? जब हो सकता है तो आप क्यों घबरा रहे हो? भेज तो रहा हूं ना मैं साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए, आपने खुद किया है और आप अभी भी हो सकता है कह रहे हो? अगर आपने किया है तो एक्सप्लेन कर दीजिए क्यों किया है, और अगर नहीं किया है तो रिपोर्ट में आ जाएगा कि नहीं वो दोनों एक ही इंक है। तो इंक्वायरी से, विवेचना से आप क्यों डर रहे हो? जो काम आप रोज सुबह शाम उठते बैठते करते हो, अगर वही अब आपके खिलाफ शुरू हो गई है तो अब आपकी सांस क्यों ऊपर नीचे होने लग गई है? जबकि कानून ये कहता है कि अगर रिपोर्ट गलत पाई जाती है, रिपोर्ट मतलब जो शिकायतकर्ता ने FIR लिखाई है, तो पुलिस को पूरा अधिकार है उसमें खात्मा लगाने, तो सिर्फ उसको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजा जा रहा है। इसका ये मतलब थोड़े है कि भाई आप दोषी पाए गए। अगर रिपोर्ट आएगी कि आप ये बिल्कुल एक ही इंक है, पेन अलग अलग नहीं है, कहानी खत्म हो जाएगी, हमारा शक बेबुनियाद निकलेगा, बस कहानी खत्म। परंतु किसी भी अधिकारी पे शक दिखाने के लिए मुझे लगा कि पहले उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से भी पूछा जाए। इसीलिए मैंने ये विस्तार पूर्वक ये कल नहीं लिखा था कि ये दो अलग अलग अंक में दिख रहा है, हमने बस इतना लिखा था कि हमको ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि मैनिपुलेशन हो रहा है, और हमने फाइंडिंग भी नहीं दी है। हमने सिर्फ इतना ही लिखा था कि आपके दस्तावेजों से ऐसा आभास हो रहा है कि आपने मैनिपुलेशन किया है, और अलग अलग स्याही में है। ये हमने खुद फाइंडिंग देने के बजाय सबसे पहले आज आपके SP साहब से पूछा, क्योंकि वो आपके विभाग के वरिष्ठ हैं, इस जिले के मुखिया हैं, तो हमको ये लगा कि सबसे पहले इनसे पूछा जाए, तो इसलिए इनकी उपस्थिति के लिए आदेश किया। तो मैं तो नहीं जाऊंगा SP ऑफिस दिखाने। जब इन्होंने कहा कि हाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अलग अलग है, तो ठीक है, अब आप क्यों घबरा रहे हो? Search Pancharama dated 28/3/2024 prepared by investigating officer at 1748 at Jabalpur. The said Pancharama is written in two different. Prima facie, it appears that the said panchanama has been written in two different inks. The upper part of the panchanama, which mentions about the details of the witnesses, the purpose of panchanama, the place where search was carried out, the date of panchanama is in a dark ink. And similarly, the signatures of the investigating officer and that of the witnesses are also in the same dark ink. Even the word vivran is also in the same dark ink. But the details of the efforts made by the investigating officer is in a different light ink. Had it been a case that while writing the document, the ink of the pen might have finished off, and accordingly the investigating officer
might have used the second pen. But under that circumstances, the signatures of the witnesses as well as the signature of the investigating officer should have been in the ink of the second pen. Whereas the first part and the signatures of the investigating officer as well as the witnesses are in one ink, whereas the body of the document is in different ink. Thus, it appears that this panchanama was not prepared on the spot, but it was prepared in the police station. At Jabalpur. अब सर जरा एक चीज बताइए, आप आईओ आया क्या? आप नहीं आया सर, बुला लीजिए ये जरा रोज नाम से सारा पड़ी है। मुझे सूचना उप निरीक्षक संजय गुर्जर से है। नहीं नहीं, आप मन से पढ़ लीजिए, उसमें जरूरत नहीं पढ़ने, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपने जो जो काम किया है वो पब्लिकली जाए, क्योंकि आप यू आर सर्चिंग फॉर अ पर्सन हु इज रनिंग अवे फ्रॉम द रोड, सो आई डोंट वांट दैट इट शुड बी रेट आउट इन द पब्लिक। आप बस इतना पढ़िएगा, पढ़ लिया आपने? आप अकेले गए थे? एक आरक्षक है, एक आरक्षक भी गए, बस आप दो जन गए थे जी। वैसे आरक्षक का नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अच्छा लिखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखा है क्या? हाँ बुरा आप जा सकते हैं। सर उसके हिसाब से इन्होंने अंजना गौतम का बयान दर्ज किया है। यस सर। और अंजना गौतम के बयान की इंक और ऊपर की इंक जरा मैच करें, लग रहा है एक है कि नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा, मैं आई कैन नॉट से विद सर, इट सीम्स सो सर, लग रहा है। तो जब सब कुछ वहां हो रहा था तो ये डॉक्यूमेंट यहां कैसे बनाया गया दूसरे इंक से? गवाहों के इंक की तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि विटनेस माइट हैव यूज्ड देयर ओन पेन। तो गवाहों के इंक के सिग्नेचर दूसरे इंक में है, तो दैट कैन नॉट बी एनी फैक्टर टू डाउट दैट डॉक्यूमेंट। आप जैसे सपोज आप भी सिग्नेचर करेंगे, हो सकता है आप अपने पेन से करें, मैं अपने पेन से करूं, तो देयर इज नो कंपल्शन दैट इट शुड बी सेंड बाय द सेम पर्सन।
ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स एक इंक में और कुछ डॉक्यूमेंट्स दूसरे इंक में, हरकतें वही है ना, खाली छोड़ के आ जाओ। साइन कर दो, बना लेंगे। चलो कहाँ तक बेटा, even Shri Aditya Pratap Singh submit after going through the document submitted that there appears to be some variation in the ink, but before drawing a conclusive, before giving any conclusive finding, this court would like to obtain the scientific report with regard to the ink which was used for preparing the search panchanama dated 28/3/24 at 17:48. Shri Aditya Pratap Singh, इसकी फोटोकॉपी कराइए और आप अटेस्ट करके इसको डायरी में लगाइए, एंड आई विल बी सेंडिंग दिस डॉक्यूमेंट टू द एफएसआर। इसकी फोटोकॉपी करा के लाइए। बस उसी को अभी भी पूछ लीजिए क्या किया है उसने। सर मैं पूछ लिया सर उससे है? सर एक्चुअली आई आस्क्ड हिम आल्सो, सो ही इज सेइंग कि सर आई रोट इट ऑन द स्पॉट नाउ सर। चल ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। Accordingly, the one of the staff member was directed to get the photocopy of the search panchanama dated service. Police, the said panchanama, the photocopy of the said panchanama was compared by Shri Aditya Pratap Singh with the original panchanama and has attested the photocopy of the search panchanama. Accordingly, Shri Aditya Pratap, the investigating officer who is also present in the court, was directed to remove the original search panchanama dated 28/3/2024 prepared as so and so, sealed in front of Shri Aditya Pratap Singh and Shri so and so, investigating officer, as well as Shri Bhup Singh, counsel for the petitioner, and Shri Mati Swati as in charge, counsel for the state. Police staff. Shri Aditya Pratap Singh, superintendent of police, Jabalpur, is directed to send the sealed search panchanama to FSL Bhopal for verification as to whether this document has been written in two different inks or not. The verification report must come. इसके इंक का वेरिफिकेशन और कहाँ से हो सकता है? FSL से होगा या कहीं और से? QD से होगा फिर। हैं? QD से होगा सर। QD से होगा। तो the Department of Postioned Documents to verify Bhopal to verify as to whether the search panchanama is in two different inks or is in one ink only. Further action will be taken on the basis of the report of examiner of question documents. The examiner of question documents is directed to submit his report
लेटेस्ट बाय आप 10 दिन मांग रहे हैं ना, सो टुडे इज 24th, तो 6 मई को हम लगा रहे हैं, लेटेस्ट बाय 4th of May 2024 इन अ सील्ड कवर। सर इसको चेक कर लीजिए, आईओ को भी बुला लीजिए, इसको वेरीफाई अटेस्ट कर दीजिए एंड देन आस्क योर आईओ टू रिप्लेस दैट, और फिर यहीं पे हम सील करवा देते हैं। नहीं आप पहले कंपेयर कर लीजिए सर, क्योंकि फोटो कॉपी आपके सामने नहीं हुई है। सिंह साहब ऐसे नहीं, कंपेयर कर लीजिए, इंक नहीं कंटेंट्स। अटेस्टेशन का मतलब यही होता है कि इट इज सर्टिफाइड के दैट इट इज द ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सर मेरा माइक बंद क्यों? चलो उसको कर दीजिए सर, टेस्ट कर दीजिए आप दोनों कर दीजिए। सचिन का भी लिखने का ऑप्शन है। उसका वो लिफाफा वगैरह ले आओ उसको सील करने के लिए। इट इज सबमिटेड बाय श्री आदित्य प्रताप सिंह दैट दे हैव रिसीव्ड अ कॉन्क्रीट इनपुट्स विद रिगार्ड टू द वेयर अबाउट्स ऑफ द एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड एंड अकॉर्डिंगली प्रेस फॉर 10 डेज टाइम टू नहीं सामने रखे कीजिए ना पुलिस एस पेड लिस्ट ऑन 6th of May 2024 द प्रेजेंस ऑफ श्री सिंह इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन दिस डेट पुलिस सिस्टम अकॉर्डिंग टू श्री भूप सिंह द ट्रायल कोर्ट हैड इश्यूड द वारंट परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट in the year 2022. However, it appears that no action was taken by the police to execute the said warrant. Police. For the reason that a new case ready has been prepared to search out the absconding accused instead of continuing with the old case ready. Be that whatever it may be. The respondents are also directed to file the details of the steps taken by them to execute the perpetual warrant of arrest issued by the trial court in the year 2020. Sir, order sheet hai kya uske trial court ke? Election P6. To execute the perpetual warrant of arrest issued by the trial court by order dated 23/4/2022. Recorded in MJCR number 757/2000. एक निवेदन करना चाह रहा था। 2000 हाँ जी रिक्वेस्ट है सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर ढूंढने की और मैंने कोई बात नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आपके प्रयास अच्छे नहीं है, मैंने नहीं बोला अभी तक, परंतु आपके प्रयासों में कुछ गड़बड़ियां दिख रही हैं, उसके लिए माफी चाहता हूँ सर। नहीं नहीं माफी की कोई जरूरत नहीं है सर, 2022 आपको जो भी रिपोर्ट आ जाने दीजिए। देखिए साहब हो सकता है कि हमने जो सोच रहे हैं वो हमारा सोच रिपोर्ट के बाद गलत निकले, तो अगर वो गलत निकलेगी तो आपको किसी माफी की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर सही निकली तो फिर हम आपकी वर्बल माफी नहीं लेंगे, फिर हम आपसे राइटिंग में ही लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आप नौकरी में रहने लायक हैं कि नहीं है, और या फिर अभी भी सच सच बता दीजिए क्या किया है आपने,
क्या वो पंचनामा जबलपुर में अपने थाने के टेबल पे बैठ के बनाया है कि कटनी में बनाया है? अभी भी ईमानदारी से बता दीजिए, आखिरी मौका दे रहा हूँ। सर पंचनामा कटनी में बनाया सर, मैंने अपने सीढ़िया निकलवाने के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, ठीक है, अब रिपोर्ट आ जाने दीजिए, रिपोर्ट आ जाने दीजिए। अब डर किस बात का यार, वो पुरानी कहावत नहीं सुनी है, हाथ कंगन पवार से क्या भाई? अगर शक पड़ा है और अगर शक बेबुनियाद निकलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। पता आपको है कि आपने क्या किया है? अलग-अलग हो सकते हैं सर, अलग-अलग नहीं हो सकते हैं। ये बताइए कि ऊपर का पेन और आपके सिग्नेचर एक पेन में क्यों है और बीच का विस्तार विस्तृत जो डिटेल्स हैं वो अलग पेन से क्यों है? सर वहाँ काफी टाइम डिस्कस किया था सर। काफी टाइम हुआ था तो आपने ऊपर का और नीचे का पहले कर लिया और बीच का बाद में लिखा, ऐसा कहना चाहते हैं? गवाह है सर। ऐसा कहना चाहते हैं तो बता दीजिए। गवाह कह रहा था मेरे को जल्दी जाना, खाली कागज पे साइन करा लो, ऐसा बोला था क्या वो? नहीं बोला था, सामने ही सर, सामने हुआ था। इसका मतलब ऊपर आपने लिखा, फिर दूसरा पेन लिया, फिर बीच का लिखा, फिर पहला पेन लिया, साइन किए। ऐसी क्या परिस्थिति थी कि साइन पहले पेन से हो सकते थे, दूसरे पेन से नहीं हो सकते थे? आखिरी मौका दे चुका हूं आपको सच बोलने का। आपने जो भी कहा है अब उसकी सच्चाई हम रिपोर्ट आने के बाद ही तय करेंगे, ठीक है ना? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने जो जवाब दिया वो गलत दिया है, हम अभी कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। हमको आंखों से देखने में लगा कि अलग अलग पेन है, आपके एसपी साहब से पूछा ये कैसे संभव है, जवाब नहीं मिला। तो जब जवाब नहीं मिला तब उसकी इंक्वायरी तो होगी ना, आप लोग भी तो इन्वेस्टिगेशन ही करते हो ना, सच्चाई ढूंढते हो ना। आप लोग क्या करते हो पुलिस में? कोई कहता है कि मेरे साथ अपराध हुआ तो क्या आप उसको सत्य मान लेते हो? उसकी सच्चाई ढूंढते हो ना, और सच्चाई ढूंढने के बाद अगर आपको पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट गलत है तो आप खात्मा रिपोर्ट भी तो लगाते हो। तो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन से आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? ये तो आपका रोज का काम है। तो किसी ने शिकायत कर दी है तो आपके ऊपर क्या ये मजबूरी है कि आपको चार्जशीटें पेश करनी है? नहीं है ना आपको मजबूरी। तो अगर हमको शक पड़ा है तो हमने तो ये फाइंडिंग नहीं दी है कि आपने ये सब इसमें लीपापोती की है। हमने तो मात्र एसपी साहब से इतना पूछा था कि आप बताइए कि आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या जो मुझे लग रहा है। उनका कहना था कि हाँ ऐसा लग रहा है। तो जब लग रहा है तो फिर ठीक है, उसका फिर एक साइंटिफिक रिपोर्ट ले लेते हैं। हो सकता है कि मेरी सोच और एसपी साहब की सोच दोनों गलत निकले। और अगर सही निकल आई तो फिर अब आपका क्या होगा? अब आप जानना, क्योंकि आपको मौका दिया था मैंने और आप अभी भी उसी बात पे क्योंकि नहीं साहब उसी दिन सब कुछ वैसे ही लिखा है। ठीक है ना? इसमें सर जो भी कार्रवाई है सर वो एक्चुअल है सर। मैंने आपसे जितना पूछा उतनी बात बताइए, क्या ऊपर की स्याही और आपके दस्तखत अलग पेन से हैं, एक पेन से हैं, और बीच की बॉडी अलग पेन से है कि नहीं है? ऐसा लग रहा है हम दोनों को, आपने लिखा है इसलिए हम आपसे स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? सर हो सकता है सर। हो नहीं सकता है? जब हो सकता है तो आप क्यों घबरा रहे हो? भेज तो रहा हूं ना मैं साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए, आपने खुद किया है और आप अभी भी हो सकता है कह रहे हो। अगर आपने किया है तो एक्सप्लेन कर दीजिए क्यों किया है, और अगर नहीं किया है तो रिपोर्ट में आ जाएगा कि नहीं वो दोनों एक ही इंक है। तो इंक्वायरी से विवेचना से आप क्यों डर रहे हो? जो काम आप रोज सुबह शाम उठते बैठते करते हो अगर वही अब आपके खिलाफ शुरू हो गई है तो अब आपकी सांस क्यों ऊपर नीचे होने लग गई है?
कानून ये कहता है कि अगर रिपोर्ट गलत पाई जाती है, रिपोर्ट मतलब जो शिकायतकर्ता ने एफआईआर लिखाई है, तो पुलिस को पूरा अधिकार है उसमें खात्मा लगाने, तो सिर्फ उसको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजा जा रहा है। इसका ये मतलब थोड़े है कि भाई आप दोषी पाए गए। अगर रिपोर्ट आएगी कि आप ये बिल्कुल एक ही इंक है, पेन अलग अलग नहीं है, कहानी खत्म हो जाएगी, हमारा शक बेबुनियाद निकलेगा, बस कहानी खत्म। परंतु किसी भी अधिकारी पे शक दिखाने के लिए मुझे लगा कि पहले उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से भी पूछा जाए। इसीलिए मैंने ये विस्तार पूर्वक ये कल नहीं लिखा था कि ये दो अलग अलग इंक में दिख रहा है। हमने बस इतना लिखा था कि हमको ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि मैनिपुलेशन हो रहा है, और हमने फाइंडिंग भी नहीं दी है। हमने सिर्फ इतना ही लिखा था कि आपके दस्तावेजों से ऐसा आभास हो रहा है कि आपने मैनिपुलेशन किया है, और अलग अलग शाही में है। ये हमने खुद फाइंडिंग देने के बजाय सबसे पहले आज आपके एसपी साहब से पूछा, क्योंकि वो आपके विभाग के वरिष्ठ हैं, इस जिले के मुखिया हैं, तो हमको ये लगा कि सबसे पहले इनसे पूछा जाए, तो इसलिए इनकी उपस्थिति के लिए आदेश किया। तो मैं तो नहीं जाऊंगा एसपी ऑफिस दिखाने। जब इन्होंने कहा कि हाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अलग अलग है, तो ठीक है, अब आप क्यों घबरा रहे हो? क्या वो उसको सील कर दिया? करो ना यार तुम लोग। It is made clear that the reply as well as the case diary shall be produced in a sealed cover, and a copy of the same shall not be made shall not be uploaded on the public domain, including the website of the High Court. वो मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ, so that क्योंकि जो भी आपका जवाब आएगा scan हो जाता है, जैसे scan होगा it will be available on the website. तो somebody is keeping a watch कि आप क्या आपके क्या movements हैं, तो in order to avoid giving clue to the others, वो है जिस दिन आप कह देंगे कि आप हमारे हमसे हमारे बस का नहीं है, या जिस दिन आप कहेंगे सर हमने अरेस्ट कर लिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा देंगे। तो फॉर द टाइम बिंग अभी उनको थोड़ा सा सील्ड कवर में रखें, ठीक है? लिस्ट ऑन, अच्छा वो कर दो, लिस्ट ऑन 6465 आ गया ना, चलो ठीक है सर, वो आप ले जाइएगा। और सुनो इसमें ऑर्डर शीट पे पावती तो लेना पड़ेगी ना, इन्होंने ले लिया है। जल्दी टाइप करके लाओ ऑर्डर शीट। सर बस 5 मिनट हो जाए, ऑर्डर शीट टाइप हो जाए, तो जस्ट गिव एन एक्नॉलेजमेंट दैट यू हैव रिसीव्ड एंड प्लीज एंश्योर दैट इट इज सेंट टुडे इटसेल्फ। आइटम नंबर 104 श्री वैभव तिवारी, श्री मनोज कुमार गुप्ता। द ऑर्डर अंडर चैलेंज इज एन एक्शन P1 पास्ड बाय कमिश्नर सागर डिवीजन सागर, वेयर बाय द अपील फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 1 वाज अलाउड। द इशू बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ 10 मार्क्स फॉर बीपीएल कार्ड होल्डर।